Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aishi Joshi, and you are watching me on the channel for Fatiwaya. So here it is 15th of October today, and we are going to take today's The Hindu news analysis. Okay, news as well as I can say editorial analysis. The first news is based on Hyderabad. 16 killed after overnight rain wreaks havoc in Hyderabad. Hyderabad mein jo hai 16 logon ki mrityu ho gayi hai. City marooned after road to airport gets washed away. जो पूरी roads है वो even जो है पूरी तरीके से धस चुकी है मिट्टी के कारण, और पूरी roads चलती हुई roads जो है वो धस चुकी है, और जिससे काफ़ी losses देखने को मिला है. As many as 16 people lost their lives in the rain that pounded Hyderabad on Wednesday. काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाने के कारण ज़मीन धस गई, और ज़मीन धस जाने के कारण 16 लोगों की डेथ हो गई है. एंड इट इज़ हैदराबाद वेयर द लेटेस्ट डेथ्स द टोल इन वेंसडे नाइट रोज टू 24. और वेंसडे नाइट को जो ये डेथ के जो नंबर हैं वो डेथ टोल करीब 24 तक पहुंच चुका है, इंक्लूडिंग 8 मेंबर्स ऑफ 2 families who died after a boundary wall collapsed on their houses in Chandrayan Ghatta late on Tuesday. 2 परिवार के करीब 8 सदस्यों की डेथ हो गई है, जिनको बाउंड्री कोलैप्स हो जाने के कारण, घर में अधिक बारिश के चलते बाउंड्री कोलैप्स हो जाने के कारण उनकी डेथ हो गई है. तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बारिश के कारण हैदराबाद में ये बहुत हम कह सकते हैं भयावह कंडीशन है, जिसके अंदर हाउसेज इवन कोलैप्स हो रहे हैं, बाउंड्रीज कोलैप्स हो रही है हाउसेज की, रोड्स कोलैप्स हो रही हैं, कंडीशंस ऑफ रोड्स आर नॉट दैट मच वेल. एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर गगन पहाड़ area where vehicles and a part of the road were washed away. Ultimately everything had been gone on this road. You can see here the road has been gone, and the condition is somewhere I can say it is worst about it record since 1891. The flood water, or I can say the damaged portion of under construction flyover, has been disappeared, and road stretches is nearly about 200 meters in what is being termed by the meteorological department as the highest in the month of October. October ke month mein 1891 se ab tak jo hai October month mein hone wali sabse zyada barish batai ja rahi hai ise, according to meteorological department. Okay, so it is all about it, and we should be aware about it. And this condition, as we can see in Hyderabad, it should be helped by government, and even definitely government is going to do so. And the condition is not that much well, so it is all about it, Hyderabad, है ना. आइए next news पे चलते हैं. Tackling the roots of discrimination, बहुत ही अच्छा article है, बहुत अच्छा article है. Discrimination की जो जड़ें हैं उनको tackle करने की यह बात की गई है. It is imperative to establish both individual culpability and इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी. ये बहुत हम कह सकते हैं इम्पेरेटिव हो जाता है जब आपको इंडिविजुअल कल्पेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी दोनों को एक साथ स्टैब्लिश करना है, तो काफ़ी इम्पेरेटिव हो जाता है ये. रामविलास पासवान अर्नड मैनी डिस्टिंक्शंस. ही वॉज ओनली लीडर बी अ सेंट्रल मिनिस्टर अंडर 6 प्राइम मिनिस्टर्स. 6 प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक अंडर सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो रामविलास पासवान जी थे, और उन्होंने काफ़ी सारे हम कह सकते हैं डिस्टिंक्शंस अर्न किए हैं अपनी लाइफ के अंदर. हिज इक्लेटिसिज्म इन आइडियोलॉजी एंड डेक्सटेरिटी इन पॉलिटिक्स कुड ओनली बी अ ड्रीम फॉर मैनी ऑफ पॉलिटिशियंस. सच अ फीट रिक्वायर्ड टू ऑफ हिम टू बी अ एग्नोस्टिक इज In his identity as well, he couldn't help being a Dalit, and he didn't hide it either. देखिए, अपना एक दलित लीडर का होना रामविलास पासवान जी का, और इसके बीच उनके बीच जो कैपेबिलिटीज़ या उनके अंदर जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ या अदर जो डेक्सटरिटी देखने को मिलती है, वो किसी भी अन्य व्यक्ति में आज तक पॉलिटिशियंस के लिए एक सपना बन के रहा है कि हमें इस तरह की पॉलिटिक्स को रन अप करना है, जिस तरह की पॉलिटिक्स उनके अंदर हमें देखने को मिलती है, राइट. तो इस तरीके की जो कंडीशन है उसके बावजूद भी अगर हम ये कहें ही वॉज अ दलित लीडर, सो समवेयर ही कुडंट बींग
a Dalit, help being a Dalit, and he didn't hide it either. Being mindful of electoral dynamics, he always sought to represent lower caste Muslims and of course Dalits. His Dalit critics were upset that he clubbed the three groups together for every demand, diluting the uniqueness of Dalits. Okay, leaving aside his first ministerial post as Labour and Welfare Minister, Paswan throughout helped non-reserved prime ministers such as railways and communication. He was as mainstream a national leader as they come. But for most of the media, Paswan died a Dalit. Okay. So he was a Dalit icon and a Dalit face. In the देखिए उन्होंने जितने भी exams crack किए या जितने भी selections लिए वो सब कोई category wise नहीं लिए, Dalit की category में जाकर नहीं लिए, but ultimately media के लिए, या अगर हम overall बात करें तो अगर general public की बात की जाए तो most of the time we can say that it is all about a Dalit leader, right? तो उनकी identity जो थी वो एक Dalit के तौर पर थी, जबकि उन्होंने उसे कभी भी उसका फ़ायदा उठा करके उसके basis पर कभी कुछ gain नहीं किया, है ना। तो वही चीज़ इसमें डिस्कस की गई है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी जड़ों को टैकल करना काफ़ी हम कह सकते हैं टफ होता है एक उस पर्सन के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन से के एक दौर से गुजर चुका है। सो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है, इससे रिलेटेड इंसिडेंट्स को बताया है। क्रिएटिंग पिक्चर इन योर हेड, इन आर हेड इज़ ऑल्सो बीन हेयर, दैट किस तरीके की अंबेडकर से लेकर के पासवान जी तक जो पूरा एक सिनेरियो है उसे बताया है। उससे रिलेटेड क्या इम्पैक्ट रहा है सोसाइटीज़ पर, और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो रूट्स हैं उन्होंने कहाँ कहाँ किस तरीके से इफ़ेक्ट दिखाया अपना, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है। और डिस्क्रिमिनेशन की जड़ों को किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ हैंडल करने की कोशिश की गई है, और आज भी डिस्क्रिमिनेशन को जहाँ पे पूरी तरीके से अगर लॉज और रूल्स की बात की जाए तो अल्टीमेटली पूरी तरीके से जो है दलित्स या अदर कैटेगराइज्ड लोग जो हैं लोअर, या हम कह सकते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो जनरली अपर हायर कास्ट में नहीं आते, उस कैटेगरी में नहीं आने वाले लोगों के लिए पूरी तरीके से 100% डेडिकेशन एंड जो हम कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाता है। बट अल्टीमेटली दे आइडेंटिटी इज समवेयर इफेक्टिंग विथ वॉट दे आर, राइट। तो डिस्क्रिमिनेशन हमारे रूट्स है, हमारे रूट्स जो है ना डिस्क्रिमिनेशन के, उन्हें हैंडल करना बहुत भारी होता है। अब मैंने बताया आपको पासवान जी, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी चीज़ अपने दलित होने पर नहीं गेन की, उन्होंने अपने आप को जो है या दलित्स के लिए बहुत कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने इंडिविजुअली सभी को लेकर के चला उन्होंने और बहुत कुछ अच्छा किया लाइफ में। बट उनकी आइडेंटिटी जो है एक दलित व्यक्ति के रूप में ही मानी जाती है, राइट, या मीडिया उनको दलित रूप में जो है आइडेंटिटी उनकी शो करती है लोगों के सामने। तो अल्टीमेटली ये जो डिस्क्रिमिनेशन की रूट्स हैं इन्हें कहाँ ख़त्म किया जाना चाहिए, इन्हें कैसे टैकल किया जाना चाहिए, इट इज़ राइट नाउ इट इज़ जस्ट अ मिस्ट्री फॉर इंडिया। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट एंड वॉट इज़ दी यू नो वॉट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज एंड वॉट इज़ द वे टू गो बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, इट इज़ ऑल डिस्कस्ड हियर। ओके, so it is here. The next article is unpleasant spectacle, a tussle between state government and high court in Andhra Pradesh should not be allowed. So the next article is intemperate letter. What it is, the Maharashtra governor is communalizing the government response to the pandemic. Government का जो response है pandemic के लिए उसको communalize करते हुए महाराष्ट्र गवर्नर ने जिस तरीके की बात कही है उसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारीज intemperate letter to CM उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने लेटर लिखा है, इन विच ही मॉक द लेटर, उन्होंने मॉकआउट किया है, क्वेश्चन किया है लेटर को एंड हिज फेथ एंड इवन टुक अ जाइब एट सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म की एक हंसी भी उड़ाई गई है एंड फंडामेंटल टेनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिसग्रेसफुल। अल्टीमेटली हिज लेटर रिटन परपोर्टेडली टू सीक एन अर्ली री ओपनिंग ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स का अर्ली री ओपनिंग को लेकर के उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, कुड हैव अर्ज्ड दैट विदाउट द अकम्पनाइंग स्कॉन एंड डिरिजन
the governor reduced himself to the level of a troll warrior by declaring that our gods and goddesses have been condemned to remain in lockdown and wondering whether the CM has suddenly turned secular. CM all of a sudden secular ho jate hain, aisa unka kehna hai. He wrote to the CM that the letter used to be a strong votary of Hindutva. Strong votary of Hindutva ka bhi darja diya gaya hai. Okay, and cited his visits to temple as proof. This forces the conclusion that the intent, purpose and premise of the letter were all wrong. A person's faith in Hinduism and its practice is not Hindutva. Kisi bhi vyakti ka Hinduism mein faith hona aur Hindutva practice karna, wo matlab temple practices karna ya Hinduism se related practices ko karna, ye Hindutva nahi hai. The constitution envisages no role of for a CM's faith in his functioning. CM ki faith jo hai uske karyo se nahi koi दर्शाया जा सकता है कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इससे नहीं दर्शाया जाता है सीएम के फेथ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. मोर ओवर इट इज़ नॉट द गवर्नर्स जॉब टू इंटरफेयर द डेली फंक्शनिंग ऑफ एन इलेक्टोरल गवर्नमेंट. इलेक्टोरल इलेक्टेड गवर्नमेंट के कार्यप्रणाली के अंदर डेली बेसिस पर होने वाली जो कार्यप्रणाली है उनकी पर्सनल लाइफ जो है उसमें गवर्नर का जो इंटरफेरेंस है इसकी कोई जॉब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं करवाई गई है कि गवर्नर सीएम के डेली फंक्शंस या इलेक्टेड गवर्नर गवर्नमेंट के जो डेली फंक्शंस है या फंक्शनिंग है उसमें इंटरफेयर करेगा. ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोई इंडिकेशंस नहीं दिए गए हैं. कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड सीएम मस्ट बी परफेक्टली सिविल एंड रिस्पेक्टफुल बिसाइड्स बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट. जो टॉक्स होनी चाहिए गवर्नर और सीएम के बीच में वो बिल्कुल सिविल लेवल पे होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए और इस तरीके की होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट हो, बिकॉज समवेयर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, राइट. एक तरीके की ऐसी पोस्ट पर दोनों स्टैब्लिश हो रहे हैं जो बहुत डिग्निटी होल्डिंग पोस्ट है, और अगर इन दोनों पोस्ट के बीच में सेक्युलरिज्म और हिंदुत्व और इस तरीके के डिस्कशंस होंगे या डेली लाइफ से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा किसी एक की, तो अल्टीमेटली इट विल इफेक्ट दी इमेज ऑफ पॉलिटिकल यू नो सिनेरियो. इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट, देयर विल बी अ रॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ ऑन पब्लिक दैट व्हाट द पॉलिटिशियंस एंड व्हाट द गवर्नर्स और द सीएम्स आर डूइंग, व्हाट द लीडर्स आर डूइंग ऑफ देम. ओके, एंड एट एनी रेट रेस्ट्रिक्शंस ऑन गैदरिंग एट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज अ मेजर टू कॉम्बैट अ पेंडेमिक आर नॉट रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. किसी भी कंडीशन पे, किसी भी कीमत पे सेक्युलरिज्म का पार्ट नहीं है कि कौन कहाँ कितने मात्रा में खड़ा होकर के और पूजा पाठ कर रहा है या हिंदुइज्म पर बेस्ड हिंदुत्व को दर्शा रहा है, तो वो किसी भी लेवल पे जो है एक हम कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म का पार्ट नहीं है. सेक्युलर हर चीज़ को सेक्युलरिज्म का पार्ट दे देना किसी भी लेवल पर, किसी भी टॉक को ले जा कर के उसे अपने लेवल की टॉक्स को ले जा कर के उसे सेक्युलरिज्म का पार्ट दे देना, अल्टीमेटली दिस इज़ नॉट द सेक्युलरिज्म एंड दिस इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और दिस इज़ नॉट अ अप्रोप्रिएट वे टू गो अहेड. ओके, His warped logic apart, Mr. Koshyari has a track record of privileging his political affinities over norms and propriety. Okay. In November 2019, he held a swearing-in for BJP leader Devendra Fadnavis as the state CM in a dubious attempt to preempt the formation of a Shiv Sena-led alliance government. He continued to wade into political controversies. काफ़ी political controversies में रहे हैं मिस्टर कोशियार, और उसी से related ये पूरा matter है भगत सिंह कोशियार जी ने जो सी एम को से जो letter लिखा है और उससे जो उनसे प्रश्न पूछे हैं, उन जो secularism से related जो मजाक उड़ाई गई है उसको यहाँ डिस्कस किया गया. तो पॉलिटिकल लीडर्स का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल होता है पब्लिक के सामने, है ना, उसके अंदर उस रोल को इफ़ेक्ट करते हुए जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक को इफ़ेक्ट करता है, एक पॉलिटिक का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है. ठीक है, पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है.
तो इट इज़ ऑल अबाउट द इंटेम्परेट लेटर व्हाट हैज़ बीन विच हैज़ बीन गिवन बाय द महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोशियारी टू सीएम उद्धव ठाकरे. ओके, so the next article is based on education chain, a weak link in the elementary education chain. elementary education chain jo hai uska ek weak link ko yahan pe darshaya gaya hai, unke beech ki jo link hai chain jo hai usko bilkul weak batate hue. india is ignoring the necessity for strong capacity building of the many ngos engaged in educational improvement. education improvement ke liye jo many kafi sare ngos jo work kar rahe hain unki strong capacity building ko ki necessity जो है उसको इंडिया इग्नोर कर रहा है. फॉर अबाउट थ्री डिकेड्स नाउ, करीब करीब तीन डिकेड्स अब तक अगर हम बात करें, अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी मात्रा में एनजीओस जो है वो इंटेंसिवली वर्क कर रहे हैं किस लिए, एजुकेशन, कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए. अ पेपर ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ऑफ मे 2005 जो है उसके अंदर टाइटल दिया गया था एक, हाउ लार्ज इज इंडियाज नॉन प्रॉफिट सेक्टर, एस्टिमेट्स अबाउट 3 मिलियन पेड वर्कर्स इन द वॉलेंट्री सेक्टर थ्रू 1.2 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन. 1.2 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में 3 मिलियन पेड वर्कर्स का एक डेटा उसके अंदर मिला हमें. द पेपर एस्टिमेट दैट 20.4% ऑफ दिस वर्क फोर्स, 20.4% जो है इस वर्क फोर्स का is to is engaged in education, वो सभी education में engage हैं. according to the newspaper report, India has 31 lakh NGOs, India के पास करीब 31 lakh NGOs हैं और इससे भी ज़्यादा, इससे double schools हैं. Right, the number of NGOs in the country has more than 31 lakh, more than double and the number estimated in the above mentioned paper. With these data, it should be a safe guess to estimate that there are now more than 12 lakh NGOs worker. अब इस डेटा से हम ये अंदाज़ा लगा, जिस तरह की स्कूल्स और एनजीओज हैं, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनजीओ वर्कर्स भी करीब करीब जो एजुकेशन में इंक्लूड हैं वो करीब 12 लाख हो सकते हैं. राइट, एंड 50% ऑफ दैम इन स्कूल एजुकेशन, 50% जो उनमें से जो है स्कूल एजुकेशन, और बाकी के जो लोग हैं वो रिच और क्वालिटी वर्किंग पर, अप्रूविंग पर वर्क कर रहे हैं. दी लोअर एंड ऑफ द एस्टिमेट नंबर्स ऑफ एनजी, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनजीओ स्टाफ वर्कर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड रीच इन एलिमेंट्री एजुकेशन मस्ट बी ओवर 3 लाख. So what is the scope of this work and what is the key documents or framework regarding this? The four documents currently providing a framework. What are these? The national, it is all about the principles, guidelines and legal staples. Okay. Now the questions are the National Curriculum Framework 2005 NCFRTE. And about NCFTE as well as NEP 2020. Even the near future, the documents are likely to have much in common with the present ones. So, what is the need of deep insight and what is an immediate task? देखिए, basically elementary education को focus किया गया है इस पूरे article में, कि उसकी जो chain है उसकी chain कहाँ से बंधी हुई है, schools और NGOs से. अब वो स्कूल और एनजीओस से जो चेन बंधी हुई है इन पूरे एलिमेंट्री एजुकेशन के सिस्टम की, इस सिस्टम के तहत इस चेन के अंदर कहाँ पे लीक कर रही है चीज़ें, क्या कमज़ोर कड़ी है जो इन चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं कर पा रही है. जहाँ तक देखा जाए जो एजुकेशन सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं उनका डेटा बताया, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कितने ज़्यादा मात्रा में स्कूल्स हैं, कितनी ज़्यादा मात्रा में एनजीओस खड़े हो रखे हैं जो ओनली एजुकेशन पर वर्क कर रहे हैं ना. तो अल्टीमेटली व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ इट दिस, एंड पर्टिकुलर थ्री डिकेड से जो ये एनजीओज और वर्क कर रहे हैं इतनी अधिक मात्रा में, उनका जो एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ जो एफर्ट्स हैं वो कितना आउटपुट दे रहे हैं, और आज की डेट में हमें कितनी नीड है इसे स्ट्रॉन्ग बनाने की, इस लिंक को स्ट्रॉन्ग बनाने की. तो ये So the next article is based on education chain, a weak link in the elementary education chain. Elementary education chain जो है उसका एक weak link को यहाँ पे दर्शाया गया है, उनके बीच की जो link है chain जो है उसको बिल्कुल weak बताते हुए. India is ignoring the necessity for strong capacity building of the many NGOs engaged in educational improvement. Education improvement के लिए जो many, काफ़ी सारे NGOs जो work कर रहे हैं उनकी strong capacity building को की necessity जो है उसको इंडिया इग्नोर कर रहा है. फॉर अबाउट थ्री डिकेड्स नाउ,
करीब करीब 3 decades अब तक अगर हम बात करें. अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी मात्रा में NGOs जो है वो इंटेंसिवली वर्क कर रहे हैं किस लिए, एजुकेशन, कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए. अ पेपर ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ऑफ मई 2005 जो है उसके अंदर टाइटल दिया गया था एक, हाउ लार्ज इज इंडियाज नॉन प्रॉफिट सेक्टर, एस्टिमेट्स अबाउट 3 million पेड वर्कर्स इन द वॉलेंट्री सेक्टर थ्रू 1.2 million ऑर्गेनाइजेशन. 1.2 million ऑर्गेनाइजेशन के साथ में 3 million पेड वर्कर्स का एक डेटा उसके अंदर मिला हमें. द पेपर एस्टिमेट दैट 20.4% ऑफ दिस वर्क फोर्स, 20.4% जो है इस वर्क फोर्स का is engaged in education, वो सभी education में engaged हैं. According to the newspaper report, India has 31 lakh NGOs, India के पास करीब 31 lakh NGOs हैं और इससे भी ज़्यादा, इससे double schools हैं. Right, the number of NGOs in the country has more than 31 lakh, more than double and the number estimated in the above mentioned paper. With these data, it should be a safe guess to estimate that there are now more than 12 lakh NGOs worker. अब इस डेटा से हम ये अंदाज़ा लगा, जिस तरह की स्कूल्स और NGOs हैं, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि NGO वर्कर्स भी करीब करीब जो एजुकेशन में इंक्लूड हैं वो करीब 12 लाख हो सकते हैं. राइट, एंड 50% ऑफ दैम इन स्कूल एजुकेशन, 50% जो उनमें से जो है स्कूल एजुकेशन, और बाकी के जो लोग हैं वो रिच और क्वालिटी वर्किंग पर, अप्रूविंग पर वर्क कर रहे हैं. दी लोअर एंड ऑफ द एस्टिमेट नंबर्स ऑफ NGO, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ NGO स्टाफ वर्कर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड रीच इन एलिमेंट्री एजुकेशन मस्ट बी ओवर 3 lakh. So what is the scope of this work and what is the key documents or framework regarding this? The 4 documents currently providing a framework. What are these? The national, it is all about the principles, guidelines and legal staples. Okay. Now the questions are the National Curriculum Framework 2005 NCFRTE. And about NCFTE as well as NEP 2020. Even the near future, the documents are likely to have much in common with the present ones. So, what is the need of deep insight and what is an immediate task? देखिए, basically elementary education को focus किया गया है इस पूरे article में, कि उसकी जो chain है, उसकी chain कहाँ से बंधी हुई है, schools और NGOs से. अब वो स्कूल और NGOs से जो चेन बंधी हुई है इन पूरे एलिमेंट्री एजुकेशन के सिस्टम की, इस सिस्टम के तहत इस चेन के अंदर कहाँ पे लीक कर रही है चीज़ें, क्या कमज़ोर कड़ी है जो इन चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं कर पा रही है. जहाँ तक देखा जाए, जो एजुकेशन सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं उनका डेटा बताया, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कितने ज़्यादा मात्रा में स्कूल्स हैं, कितनी ज़्यादा मात्रा में NGOs खड़े हो रखे हैं जो ओनली एजुकेशन पर वर्क कर रहे हैं, है ना. तो अल्टीमेटली व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट दिस, एंड पर्टिकुलर 3 decades से जो ये NGOs और वर्क कर रहे हैं इतनी अधिक मात्रा में, उनका जो एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ जो एफर्ट्स हैं वो कितना आउटपुट दे रहे हैं, और आज की डेट में हमें कितनी नीड है इसे स्ट्रॉन्ग बनाने की.